हे गाइस, तो क्या हाल चाल। एंड गाइज, आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं गाइज फोटो एडिटिंग करना कितना मुश्किल होता है। जो कि आप लोग डेली कमेंट करते हैं अमित भाई आपका वीडियो कब आएगा, जो कि मेरा ये वीडियो हमको लगता है लगभग 2 वीक के बाद आ रहा है, ठीक है, यानी कि 2 हफ्ते बाद आ रहा है। लेकिन गाइज, अगर आप लोग इस वीडियो पे अपना सपोर्ट अच्छा खासा दिखाते हैं और कमेंट करते हैं आप लोग कुछ ना कुछ, तो डेली वीडियो आएगा, ठीक है। और इतना हार्ड हार्ड मैं आप लोग को एडिटिंग सिखाऊंगा जो कि आप लोग सोच नहीं सकते। आप लोग को बादशाह बना दूंगा एडिटिंग का, जो कि आज मैं कुछ नहीं एक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोग इतना हार्ड फुल HD एडिटिंग कर पाएंगे। क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या होता है, सल्ट चेंज करना, फोटो HD एडिटिंग करना, जिससे कि आप लोग मेरा सल्ट वगैरह हर चीज़ देख सकते हैं। देख सकते मैं सल्ट किस तरह अपना चेंज करता हूँ, हेयर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मेरा पूरा हार्ड रहता है, ठीक है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को सारा सच्चाई बताऊंगा कैसे मैं क्या करता हूं और कौन से टिप्स यूज करता हूं, कौन सा ऐप यूज करता हूं, ठीक है। बस आपको क्या करना, इस वाले वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आप लोग इस वाले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार एक थो लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले एंड मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, आपको आना है प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर आने के बाद सर्च पर जाना है। और आपको क्या सर्च करना, देखिए PICT यानी कि पिक्टरो एडिट सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन आएगा, इसको आप लोग सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड के बाद इसको ओपन करना है। देखिए, इतने इसमें इतना सारा ऑप्शन है जो कि आप लोग सोच नहीं सकते कितना सारा ऑप्शन हो सकता है। टोटल चीज आप लोग इसी एप्लीकेशन में कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका डाटा ऑन रहना चाहिए, फिर इस तरह ऑप्शन आएगा, इसको डिफॉल्ट कर रख के इसको अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले ऊपर आप लोग ऑप्शन देखिए, यहाँ पे फोटो एनहेंसर यानी कि आपको HD कर देगा, कार्टून जनरेटर, स्काई चेंजर, बैकग्राउंड चेंजर एंड क्लोथ चेंजर, इतना सारा ऑप्शन हो गया। यानी कि आप लोग मान लीजिए कोई फोटो हो गया, क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, जैसे कि मान लीजिए मैं इस फोटो को लेता हूँ और सर पर क्लिक करता हूँ, देखिए आपके सामने है, जस्ट मैं नीचे इस पर क्लिक कर दूंगा, देखिए लोडिंग लगा। और लोडिंग लेने के बाद देखिए ये खासियत, देखिएगा आप लोग कभी कभी फोटो खींचते हैं तो पूरा ब्लर आ जाता होगा, ठीक है, मैं जानता हूँ, टेंशन ना लीजिए। देखिए कुछ सेकंड वेट के बाद जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ वो चीज़ देखने के बाद ये देखिए पहले ऐसा फोटो था, लेकिन गाइज देख सकते हैं आप लोग कितना हार्ड HD हो चुका, पूरे पहले पूरा ही ब्लर था जो कि आप लोग देख सकते हैं, बट पूरा HD हो चुका है। आप लोग ऊपर से यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको बैक करता हूँ, और बैक के बाद देखिए मैं क्या करता हूँ, ये एक और ऑप्शन है, क्या चीज़, चेंज क्लोथ यानी क्लोथ चेंज का। आप लोग मान लीजिए किसी एक शर्ट पर फोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं और आपको मन नहीं करता है कि बार बार उसी शर्ट पर फोटो आपको अपलोड करना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं कि कुछ लोडिंग लगा। उसके बाद देखिए नीचे ऑटोमेटिक क्लोथ आ जाएगा, देखिए 1 के लिए चेंज हो जा रहा है कलर, यहाँ से आप लोग देखिए 1 के लिए नीला, येलो, रेड, आप जो चाहे वो कलर कर सकते हो 1 क्लिक में, जस्ट देख सकते हैं आप लोग कितना बेस्ट हो रहा है, ठीक। यहाँ से आप लोग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, इसको बैक करता हूँ। उसके बाद देखिए और सारा ऑप्शन दिखाता हूँ, उसके बाद ये क्या ऑप्शन है, देखिए बैकग्राउंड चेंजर का, यानी कि आप लोग यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये फोटो हो गया, ठीक, मैं इस फोटो को लेता हूँ और यहाँ से सही पे क्लिक करता हूँ। देखिए इतना अभी तक इतना अच्छा एडिटिंग आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे कोई बंदा नहीं सिखाया होगा, जो कि आपका भाई सिखा रहा है 1 क्लिक। ये देखिए पूरा बैकग्राउंड प्रोफेशनल तरीके से चेंज हो रहा है, लग नहीं रहा है कि पूरा एडिटिंग है लेकिन चेंज हो रहा है, क्योंकि पूरा खासियत है आपके भाई का। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, यहाँ से आप लोग बहुत कस्टम कर सकते हैं, यहाँ से देखिए ब्लर वगैरह जो चाहे वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ओपेसिटी वगैरह बैकग्राउंड का आप लोग अपने हिसाब से इस तरह रख सकते हैं, दोनों कितना मस्त मिक्स लग रहा है, इस तरह आप लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बैक करता हूँ, फिर देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, स्काई चेंज है यानी कि आसमान वगैरह आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कार्टून, मान लीजिए इसको मैं मुझे कार्टून बनाना है फोटो को, मैं सिंपली फोटो को लूँगा, यहाँ से सही पे क्लिक करूँगा, उसको देखिए यहाँ से 3D कर दूँगा, देखिए 1 क्लिक और आपका जो फोटो होगा कार्टून टाइप सब बन जाएगा। देखिए कितना पूरा प्रोफेशनल A to Z, आपको देखिए कितना मस्त कार्टून बन गया है। अब इसको आप लोग DP लगा सकते हैं, ठीक है, DP लगाने से एकदम आपका जो प्रोफाइल होगा बहुत ज़्यादा मस्त लगेगा। इसको मैं करता हूँ डिस्कार्ड, उसके बाद देखिए फिल्टर है, टैक्स है, एडिट है, बहुत सारा ऑप्शन है, आप लोग बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। और गाइज उसके बाद आप लोग को एक और ऑप्शन मिलेगा लाइट इफेक्ट्स का, यानी कि मान लीजिए कोई आप फोटो क्लिक करते हैं सनसेट के टाइम, देखिए दिखा रहा हूँ, मान लीजिए इस पे जाता हूँ और कोई एक तो फोटो लेता हूँ, मान लीजिए मैं इसी फोटो को ले लेता हूँ, ठीक है, वोटिंग वाला मेरा फोटो है जो कि मैं कल वोट दिया था। तो सिंपली आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग इस तरह का लाइटिंग वगैरह लगा सकते हैं जो कि देखने में पूरा प्रोफेशनल लगता है, जिससे कि लगता है साइड वगैरह से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये देखिए कितना हार्ड पूरा रियलिस्टिक लग रहा है, जो कि इसका यूज अगर आप लोग करेंगे तो फिर मजा आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग लाइटिंग वगैरह ये भी लगा सकते हैं, कि इसको आप लोग यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। देख लीजिएगा कितना हार्ड हार्ड पूरा ये लग रहा है, तो सोच लीजिए कितना हार्ड एप्लीकेशन है। तो सिंपली आप लोग जाइए, नाम इसका बता दिया हूँ, आप लोग डाउनलोड करिए। एंड गाइज, अगर आप लोग को ये वीडियो आप लोग को बिल्कुल भी अच्छा लगा होगा, यानी कि हल्का भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अपने भाई के लिए एक थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसे भी खतरनाक वीडियो के साथ। थैंक यू।